अनदर मॉर्निंग अनदर राइड, काफी मजा आने वाला. काफी लंबे टाइम बाद है ना हाईवे वाली राइड पे जा रहे हैं. आज के एमपी जाने वाले, बट वीडियो में मेन फोकस होने वाला मैं अपने आप को कैसे प्रिपेयर करता हूँ, क्या क्या सामान मैं कैरी करता हूँ, एक शॉर्ट राइड या लॉन्ग राइड. वैसे शॉर्ट राइड का ही बताने वाला क्योंकि लॉन्ग राइड के लिए कभी फिर कोई लॉन्ग राइड पे जाऊंगा तो बताऊंगा. फिलहाल ऐसे बता देता हूँ कि मैं कैरी कर रहा हूँ अपना हाइड्रेशन पैक. इसमें मैंने डाल रखे हैं कुछ स्नैक्स वगैरह. स्नैक्स क्या है, क्रूसेंट्स. और अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो कोई बात नहीं, ना तो आप समझ ही सकते हैं. टैंक बैग लेके चलता हूँ, कैरी करता हूँ. इसमें मेरे सारे कैमरा एक्सेसरीज मैं दिखाता हूँ क्या क्या मैं इसमें रखता हूँ. दिस इज माई वॉलेट, 360 कैमरा, ड्रोन है, बैटरीज एक्स्ट्रा, पावर बैंक भी लेके चलता हूँ. एक सेल्फी स्टिक रखी हुई है इसमें. बाकी मेरा हेलमेट में GoPro 8 लगा हुआ है. 7 और 6 यहाँ पे रखा हुआ, जो मैं 7 यहाँ पे माउंट करने वाला हूँ. इधर 6 में अगर कभी बैक कैमरा लगाता हूँ तो 6 मैं यहाँ पे माउंट कर देता हूँ. माय सेटअप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा गर्मी है तो थोड़ी एक्स्ट्रा चीज मैं कैरी कर रहा हूँ. वैसे मैंने राइडिंग पैंट पहन रखी है, जैकेट मेरी अंदर रखी हुई है, मैं उसको पहन के आने वाला हूँ. प्लस जो मैं गर्मी के लिए जो बताने वाला हूँ वो भी देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट होता है इतनी गर्मी में, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है ना कम हो जाती है. अगर आप गर्मी लगती है फील होती है तो मिस्टेक ज्यादा करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए. उसके लिए मैं वो चीजें कैरी करता हूँ जिससे मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा और मैं राइड प्रॉपरली कर पाऊंगा और मजा कर पाऊंगा. इनसे मैं गर्मी से बचता हूँ. कूलिंग वेस्ट इस मैंने वीडियो बना रखी है. बाकी दो बैंडेना ले रहा हूँ, एक सर पे डालने वाला हूँ और एक नेक एरिया पे डालने वाला हूँ. अभी इसको थोड़ा सा निचोड़ता हूँ फिर मिलता हूँ. ऐसा मैं कुछ लगता हूँ जब मैं राइडिंग गियर वगैरह पहन लेता हूँ, बट ये जिप बंद करनी है क्योंकि आपको दिखाना था कि कूलिंग वेस्ट पहन रखी है, ऊपर बैंडेना लगा रखे हैं दो, एक सर पे एक नेक पे. तो अभी रेडी होता हूँ, निकलता हूँ और आज जा रहे हैं केएमपी. चल जाड़े लेना करते हो, चलते हैं और मोटर व्लॉग को स्टार्ट. तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, पर आपको क्या पता होगा कि मैं गुड़गांव आ गया हूँ ओल्ड रेलवे रोड पे. यहाँ से सीधा राजीव चौक निकलता है, वहाँ से जाने वाला हूँ मैं कहाँ पे, हिरोंडा चौक पे, जहाँ के हमारा मीटिंग पॉइंट है, जहाँ सभी मिलने वाले हैं. वैसे मैं हार्ले ग्रुप में राइड करने वाला हूँ, रोड्स ग्रुप है, काफी सीनियर राइडर है. बाकी ना आज तो यार काफी अच्छा लगा मुझे. कूलिंग वेस्ट है ना, अगर आप ऐसे चल रहे हो ना, तेज चल रहे हो, हवा लग रही है, आहा क्या आनंद आता है. कम से कम मुझे ना 7 to 8 degree का डिफरेंस फील हुआ. कूलिंग वेस्ट पे बैंडेना पहन रखा, वहां पे नेक पे मतलब जहां भी बैंडेना था वहां पे मुझे डिफरेंस महसूस हुआ. कूलिंग वेस्ट था वहां पे मुझे डिफरेंस महसूस हुआ. तो काफी कंफर्टेबल रहा, ऐसा लग रहा है कि हाँ यार अभी भी मैं घर पे एसी में बैठा हूँ ऑलमोस्ट ऐसा. बाकी सब बढ़िया है. ये रसा बनाने के लिए तैयारियां चल रही है क्या? गिराना इधर से ले लेता हूँ, लैपो से गिरने वाला नहीं, इतना तो ऑफ रोड मैं भी कर चुका हूँ कि आराम से ना कम्फर्टेबली चला लेता हूँ बाइक को, कोई दिक्कत नहीं आता है. बिग एडवेंचर बाइक है, हैवी बाइक है, फिर भी ऐसा नहीं महसूस होता कि यार कुछ दिक्कत होने वाली है मुझे. बाकी सब बढ़िया है. टाइम हो चुका 6:08, जैसा कि आप देखते हैं 6:15 का मीटिंग पॉइंट था, 6:20 6:25 में फ्लैग ऑफ है, 6:30 पे हम राजीव चौक में मिलने वाले हैं. और चलान से हमें बच के रहना चाहिए. कैमरा लगे हुए हैं शायद, ये नहीं कैमरा नहीं है. क्या स्पीड है ना, अब मॉर्निंग के टाइम बताओ, और स्पेशली ऑन दीज बाइक कैसे कंट्रोल कर पाते यार, समझ से बाहर है यार. चलो जो भी है, यहाँ से हम राइट टर्न लेने वाले हैं, नीचे से नहीं जाने वाले हैं. नीचे से भी जाके आगे से यू टर्न लेके भी जा सकते हैं, बट यहीं से ले लेंगे सीधा सीधा, क्योंकि राजीव चौक पता नहीं कितने पहले टाइम पहले आया था और नीचे से ही गया था मैं, एक बार ही आया था. और ये अंडरपासेस बन गए ना, सो ट्रैफिक में काफी राहत मिली है गुड़गांव में, राहत. जी हाँ, ऊपर से जा सकते हैं, राइट टर्न ले सकते हैं, सीधा जाके यहाँ से राइट को घूम जाएंगे. सो यहाँ से हार्डली 2-3 किलोमीटर होगा. बाइकर्स दिख तो रहे हैं, एक ही दिख रहा है बस, दिख तो नहीं रहे हैं, यहाँ भी खड़े हैं. बाकी हमारे ग्रुप में बताया था कि खाना लेके आना, क्योंकि अगर भूख लगती है तो कुछ ना कुछ होना चाहिए स्नैक वगैरह खाने के लिए. जो भी टी ला सकते हो, टी भी ला सकते हो अपने लिए. बाकी मैं टी तो लेके नहीं आया, थोड़ा बहुत स्नैक लेके आया हूँ, खा लूंगा और अपना पेट भर लूंगा. देखते हैं चीजें यार कब नॉर्मल होगी, कब राइड प्लान बनेगी पता नहीं. एक प्लान तो मैंने कर रखा है और होपफुली हो जाए किसी तरह. काफी लंबा टाइम है उसके लिए, सीजन एंड होने के लिए, समझ तो आप गए होंगे, बट स्टिल मैं बताने वाला नहीं हूँ. देखते हैं कि क्या होने वाला है, नहीं तो फिर देखा जाएगा. फिर तो पूरे साल तक तो फिर देखना ही है. नेक्स्ट ईयर से देखते हैं कुछ प्लान बनने स्टार्ट होंगे, क्योंकि फिर विंटर स्पीति स्टार्ट हो जाएगा. मेरा एक प्लान था कि मैं करूं, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं. वैसे राइड के नाम ऐसे लेना नहीं चाहिए कि राइड पे नहीं गए अगर नहीं जाता हूं तो. मुझे है ना इस पॉइंट पे मैं पहले बार आ रहा, तो मुझे पता नहीं फ्लैवर क्रॉस करके रुकना है या नीचे से लूं फिर निकलूं, समझ से बाहर, बट ऊपर से ही जाता हूं. देखा जाएगा, थोड़ा सा वापस लेके आ जाऊंगा, मॉर्निंग में तो हो ही जाता है इतना एडजस्ट. बाकी सब बढ़िया यार, कंफर्टेबल लग रहा है. जैसे मैं हाईवे पे आ गया ना, हाँ ठंडी हवा लग रही है, हाँ ठंडक हो रही है बिल्कुल. 7 to 8 degree का फर्क है, 33 degree
डिग्री है। मॉर्निंग में जब चला था 31 के अराउंड था, 78 डिग्री जो डिफरेंस लगाते हो तो कहीं 23 के अराउंड, तो 23 आप समझते हो कितना अच्छा कंफर्टेबल फील होता होगा। और अभी भी काफी डिसेंट लग रहा है, 25 के अराउंड तो काफी अच्छा है, पर मजा आ रहा अभी फिलहाल। अगर रुकेंगे तो थोड़ी बहुत गर्मी लगेगी, उसके बाद शायद गर्मी नहीं लगने वाली है। सो अगर मैंने जो थोड़े से मेथड्स बताए थे, अगर वो नहीं देखे तो वो देख लीजिए जो प्रीवियस वीडियो थी, अदरवाइज थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो तो गर्मी में राइड कर रहे हो तो क्या करना चाहिए जिससे आपको गर्मी थोड़ी सी कम लगे। बट ये चीजें है ना, ह्यूमिड वेदर वर्क नहीं करती है इतनी अच्छा, तो कुछ तो ड्रॉबैक होता है। डे टाइम में सबसे अच्छा वर्क करती है क्योंकि डे टाइम में चलती है लू, ह्यूमिडिटी होती है थोड़ी सी कम। बट जुलाई अगस्त में है ना थोड़ा सा ऐसा ही रहने वाला है, तो इतना वर्क नहीं करने वाला है। और बाकी यहाँ ग्रुप वाले कहाँ पे है, दिख तो रहे हैं। मॉर्निंग राइड कैसे आ गए, उनकी इतनी अच्छी राइड हो गई। अभी हम निकलते ही कुछ दूर चलते ही फ्यूल ब्रेक के लिए रुके हैं। वेदर आज ना जबरदस्त लग रहा है, कूलिंग वेस्ट सब कुछ जबरदस्त वर्क कर रही है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है इसको एक्सप्लेन करते हुए, तो एक वीडियो बनाई थी मैंने हाउ टू कूल ऐसा कुछ करके मैंने बनाया था, जैसे जो भी है जैसा भी है देख लीजिएगा, चैनल पे मिल जाएगी आपको। आज वेदर वैसे काफी ठीक है बट स्टिल गर्मी तो है ही, चल रहे है ना। जब जो गर्मी लगती थी लूज वाली जो फीलिंग आती थी ना वो नहीं आ रही है, क्योंकि कूलिंग वेस्ट पहन रखी है, बाकी चीजें पहन रखी है, काफी डिफरेंस आ गया है। कुछ दूर चलते ही फ्यूल ब्रेक के लिए, पता नहीं आज केएमपी पे जाने वाले किधर जाने वाले हैं, तो हम जब चलने वाले हैं तब आपसे मिलने वाले हैं। अभी पता नहीं कहाँ जाने वाले, केएमपी या नेशनल हाईवे, केएमपी या नेशनल हाईवे, केएमपी या नेशनल हाईवे, नो नेशनल हाईवे जाने वाले हैं। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है यार, मजा आएगा इधर भी जाने में उधर भी जाने में, जैसा भी है अच्छा है, सब बढ़िया है। केएमपी के लिए लेफ्ट निकल जाते हैं हम, नेशनल हाईवे जाने वाले स्ट्रेट 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 जाता है, और ये जाता है मुंबई तक। जी हाँ, मुंबई लास्ट पॉइंट पता नहीं, मुंबई तक जरूर जाता है। ये हार्ले वाले डिसिप्लिन्स आ गए जिसमें हम इशारेबाजी करते हैं, जी हाँ, गंदे इशारे नहीं, अच्छे वाले। और आपको पता ही होगा कि कल हुआ था टिड्डी अटैक, टिड्डी लोकस्ट अटैक हुआ दिल्ली में, गुड़गांव में हुआ, और मेरे एरिया में नहीं हुआ, मैं दिल्ली में रहता हूँ फिर भी नहीं हुआ। दिल्ली में ऐसा नहीं है कि हर जगह हुआ है, संभावना थी, चांसेस थे पूरे पूरे के टिड्डी अटैक होगा। पीछे से हॉर्न पे हॉर्न बजते यार, हार्ले है ना उनके टायर्स देखो, साइज देखो टायर्स का, देखो यार गजब यार, विथ इतनी ज्यादा होती है बहुत ज्यादा। बाकी मैंने थोड़ा सा मूव करते हुए पहले आ गया मूव क्या करा, इनिशियली मैं ना पहले आ गया क्योंकि ओवरटेक करने में काफी बंदे बुरा मान जाते, कहते यार बंदा ना डिसिप्लिन में चल रहा है, ओवरटेक पे ओवरटेक कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। वैसे आज नकुल ने मार्शल का भी काम कर रहे हैं, इतने बड़े ग्रुप में मार्शल की जरूरत होती है, अगर मार्शल नहीं होगा तो इशू होंगे कैसे इशू होंगे, कि डिसिप्लिन नहीं होगा। बस उल्टा पहुंचने वाले थे, जल्दी पहुंच के पता भी नहीं चला यार। एक्चुअली मैंने काफी दिन बाद राइड कर रहे हैं और फिर बाइक इतनी कंफर्टेबल है, राइड करने का ज्यादा मन था, इसलिए फील ही नहीं होता है, बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि क्या यार ये तो ये रहा है यार उल्टा उठा। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही फील होता है। आज मुझे पता चलेगा, मैं पता नहीं सदियों बाद आ रहा हूँ, मैं ये तो भूल ही गया, सदियों बाद आ रहा हूँ यहाँ पे, समझ में ही नहीं आ रहा है कितने दिन बाद आया हूँ। ओ यार लॉकडाउन के बाद है ना क्या लाइफ चेंज होगी, पता नहीं नॉर्मल लाइफ कब चालू होगी दोबारा से। ओ ठंडी ठंडी चिल्ड हवा लग रही है, कूलिंग वेस्ट प्रॉपर वर्क कर रही है, मजे वाला वर्क। बाकी बैंडेना भिगोई थी उससे भी अच्छा वर्क कर रहा है, मजा आ रहा है। बाकी रास्ते में जहाँ भी रुक रहा हूँ पानी मैं पी रहा हूँ, सबने आपको हाइड्रेट कर रहा, सब कुछ हो रहा है यार, सब कुछ एकदम बढ़िया प्रोसेस चल रहा है पानी पीने का और ये ठंडी हवा लगने का। अगर ऐसा कुछ फॉलो करेंगे तो आपको भी मन करेगा गर्मियों में राइड करने का, अदरवाइज आपका थोड़े दिन ऐसे ही रुके सूखे जाएंगे कि यार कब विंटर आएंगे और कब राइड करेंगे। ओहो मजा आ रहा है, ओहो कितने दिन बाद राइड पे आ रहा है, ओहो जुलाई से शायद कुछ लॉकडाउन के उसमें ईज आउट होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। अभी यूके और हिमाचल तो जाहिर नहीं सकते, यूके समझ गए होंगे, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं, वहां पे जाना, वहां पे जाते हो तो क्वारंटीन करना पड़ेगा, आपको अलग थलग रहना पड़ेगा, तभी आप वहां पे घूम फिर पाओगे। ऐसा ही हिमाचल में है तो घूमना फिरना तो अब मुझे तो लगता नहीं कि घूमना फिरना चाहिए इस कोरोना वर्ल्ड में ना। पता नहीं कैसे कैसे न्यूज आई हमारे सामने, कितनी दुखद न्यूज आई और कितने फनी न्यूज भी आई, जैसे कोरोना पे गाने बने काफी ज्यादा, पता नहीं क्या क्या बने भगाने के लिए, पता नहीं क्या क्या बना दिए, ये वर्क करने वाला वो वर्क करने वाला, ये कर लो वो कर लो, ये तो चलता रहता है इंडिया में, कॉमन है बहुत ज्यादा। ये अपने कैप्टन है ना कह रहे हैं कि यार हटा लो ना यहाँ से, देख नहीं रहे कि पीछे से बाइक आ रही है, साइड में करो। आते ना वैसे माइक में चेंज करके आया, पता नहीं माइक कैसा वर्क करने वाला है, जैसा भी लगे कमेंट करके बता देना। आज
कुछ बाइकरों ने हमारे पर अटैक कर दिया। जी हाँ, देख रहे हो, झुंड का झुंड आया हमारे पीछे। देखो 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 देखो, मजाक कर रहा हूँ, बाकी डिसिप्लिन में नहीं चल रहे, दिक्कत आ रही है यहाँ पे, ओवरटेक करने में दिक्कत आ रही है, दिक्कतें ही दिक्कतें हो रही है। एक उधर चल रहे हैं, हम इधर चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे हम चल रहे हैं और कहाँ तक हम ऐसे ही चलने वाले हैं, क्योंकि ये रिस्की साबित हो सकता है। काफी बंदों ने इन ग्रुप में तो राइडिंग गियर्स भी नहीं पहन रखे हैं, सो इट्स ट्रबल ट्रबल ट्रबल। शो फॉर्मेशन के लिए कह दिया है, सिंगल लाइन में स्टैगर्ड फॉर्मेशन में चलना है जिससे कि ट्रबल्स ना हो। जी हाँ बिल्कुल, वो तो निकल गए वैसे बगल से, सही रहा यार, ऐसा ना थोड़ा सा क्लोज कॉल हो जाती है, वो थोड़े ऐसे ही चला रहे हैं इधर उधर, हमारे जो ग्रुप है वो डिसिप्लिन में चल रहा है, इशू ना हो जाए। इतने ज्यादा बाइक एक साथ होती है ना तो दिक्कतें हो ही जाती है, जैसे कि KTM राइड में हमने देखा बहुत सारी वीडियो कि KTM राइड में से दिक्कतें बहुत ज्यादा होती है। सो फाइनली रुके हैं कहाँ पे, नीम बहाना टोल टैक्स क्रॉस करके, आज यार पता नहीं अब लग रहा था इतना लंबा लंबा, कितना लंबा चल के आगे, बाकी वो यहाँ रिसेट करते हैं, पता नहीं यहाँ चाय चुय लेंगे जो भी करेंगे वो पता चल जाएगा आपको थोड़ी देर में एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज की राइड होगी कम्प्लीट, नीम बहाना तक आए थे, वहां से हमारा यू टर्न, छोटे मोटे स्नैक्स लिए, बिस्किट लिए, और अभी क्या कुछ नहीं है, वापस चलना है और क्या करना है, कुछ और करना था नहीं करना था ना, तो अभी वापस जा रहे हैं। 217 रेंज दिखा रहा था, आराम से पहुंच जाएंगे, 70 किलोमीटर होगा यहाँ से, जो भी है 70 80 जितना भी है। अभी फिलहाल कुछ खास नहीं है, ब्रेक लेंगे शायद, मैं फ्यूल डलवाऊंगा, उसके बाद अगर डलवाऊं तो डलवाऊंगा, नहीं भी डलवाऊं क्योंकि सोचता हूँ ना डलवाऊं, क्यों, रीजन ये है कि इस बहाने कहीं भी फिर निकल जाऊंगा, एक मोटो व्लॉग बना लूंगा, अभी कोई जरूरत तो लग नहीं रही है, क्या पता मॉर्निंग में जाना हो तो, जो अभी कोई सिचुएशन का पता नहीं है, जैसा भी होगा पता चल जाएगा। राइड से आया उसके बाद आई स्लेप्ट लाइक ए बेबी, रात को सोया नहीं था मैं तो, क्योंकि नींद आ रही थी जबरदस्त वाली, पता नहीं क्या बोल रहा था, लास्ट में इतना मुश्किल हो गया स्ट्रेच, इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं किया, मोटो व्लॉग भी नहीं किया, और मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया आते वक्त, मैंने कूलिंग वेस्ट वगैरह नहीं पहना कि, तो टेम्परेचर में ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस देखने के लिए मिला था, थोड़ा बहुत गर्मी हो गई थी एक्स्ट्रा, बट इतना ज्यादा फील हो रहा था पूछो मत। सो ये वर्क करता है अगर तरह का कुछ आप जुगाड़ देख रहे हैं, बाकी अगर कूलिंग वेस्ट नहीं पहनते हैं तो आप एक कॉटन टी शर्ट वगैरह भिगो के पहन सकते हैं, जिससे गर्मियों में थोड़ी सी राहत मिलेगी और आपको काफी अच्छा मिलने वाला है। और आपको सब कुछ बता दिया कि मैं प्रिपेयर कैसे करता हूँ एक राइड से पहले, स्पेशली इन समर, विंटर में अलग होगा, लॉन्ग राइड से अलग होगा। अपकमिंग वीडियोस में जब भी मैं लॉन्ग राइड पे जाऊंगा उससे पहले मैं बता दूंगा, या फिर मैं विंटर में राइड करता हूँ उससे पहले जो भी करता हूँ मैं बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन मेरे अपकमिंग वीडियो के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम, बाय।